असलामुअलैकुम। आज का आर्टिकल है बट्टाग्राम रेस्क्यू। जैसे कि हमने देखा कि पी के इलाके बट्टाग्राम में 8 अफराद जो थे वो एक केबल में स्कूल जा रहे थे और उनमें ज़्यादातर बच्चे थे और उन्हें जो है वो रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने में उन्हें जो है 14 घंटे लगे और इसमें जो है वो फौजी अहलकार, अमदादी कारकुनान और मकामी लोग शामिल थे और बिलाखर वो कामयाब हुए उन्हें रेस्क्यू करने में। तो ये आर्टिकल स्टार्ट करते हैं आज का। मंगल को केपी के बट्टाग्राम इलाके में सानिया टल गया जब 8 अफराद जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे उनकी जो केबल कार की तारें ज़मीन से ऊँची गिरने के बाद बचा लिया गया। बचाव की ज़रूरतमंदाना कोशिशों में शामिल तमाम अफराद जान बचाने के लिए बहुत तरीफ़ के मुस्तक हैं। ये वाक़ शहरियों की सहूलत के लिए दूर दराज मकाम जैसे लाई जहाँ ये वाक़ पेश आया और इसमें जो है वो 14 घंटे के बाद जारी रहने वाली कोशिशों जिसमें फौजी अहलकार थे, इमदादी कारकुनान थे, मकामी लोग शामिल थे उन्हें कामयाब हुए उन्हें बचाने में। हेलीकॉप्टर के जरिए कार में फंसे हुए अफराद को निकालने की पहले की कोशिशों में सिर्फ मदद कामयाबी मिली। इमदादी कारकुनान ने रात ढलने के बाद ऑपरेशन जारी रखा। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो है वो का उन्हें बचाने में जो है वो जारी रहे और तमाम मुसाफिरों को हिफाजत निकाल कर अपनी जानों को ख़तरे में डाल कर नीचे गिरा कर खौफनाक कार्य को ख़त्म किया। ऐसे कारनामे अक्सर फिल्मों में देखने को मिलते हैं लेकिन ये हकीकी ज़िंदगी के हीरो इंतहाई मुश्किल हालात में अपनी बेलसर बने। कहते हैं कि जो हुआ जिसमें 14 घंटे लगे बचाने में उन लोगों को जो कि 8 अफराद उनमें ज़्यादातर बच्चे थे जो कि स्कूल जा रहे थे केबल तार की मदद से। और अक्सर कहता है हम इस तरह के जो है वो हम फिल्मों में देखते हैं जहाँ पे जो है वो एंड पे जो है वो बचा लिया जाता है कोशिशों के बाद। और फिर कहते हैं कि जैसे कि मंगल के वाक्य ने दिखाया 2017 में मरी में इसी तरह के एक हादसे के नतीजे में मतदद अमवात हुई। वो पास्ट की बात करें कि जब 2017 में भी इस तरह का वाक्य हुआ था मरी में और उसमें लेकिन जानी नुकसान हुआ था और दूर दराज मकामात पर बस्तियों को जोड़ने के लिए अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें और पुल की ज़रूरत है। ये जो इलाके हैं केपी के या फिर मरी या इस तरह के वहाँ पे अगर मरी की हम बात करें तो मरी में इतना टूरिज़्म है कि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी इस पे चल सकती है जैसे कि हम मालदीव पे देखते हैं उसकी टूरिज़्म पे वो सारी इकोनॉमी चलती है, पूरा मुल्क चलता है उनकी। तो पाकिस्तान में जो है मैंने जैसे पहले भी अपने आर्टिकल्स में बात करती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट की कमी है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक है इस वजह से वो कहीं इन्वेस्ट करने के काबिल नहीं है। तो अगर पाकिस्तान जो है वो अपना टूरिज़्म बेहतर करता है ये अपने पुल और सड़कें रोड जितने भी है अगर इन्हें ठीक करता है बिल्कुल तो पाकिस्तान की इवन जानी नुकसान तो हो बचेगा ही, कहीं जानी नुकसान नहीं होगा और इसके साथ साथ इसका टूरिज़्म भी बेहतर होगा। और केवल जो पहाड़ी इलाकों जैसे बट्टाग्राम, शांगला, कोस्तान और चित्राल में कि फौरी खिदमत करने के लिए रेस्क्यू जो है वो चित्राल फौरी रद्द अमल के लिए तरबियत याफ्ता केबल का रेस्क्यू की खिदमत हासिल कर रहे हैं। मुकामी इंतजामिया को यकीनी बनाना चाहिए कि इस तरह के ढांचे के हिफाजती मुआयना एक जारी अमल है। मज़ीद ये कि रियासत को बुनियादी सहूलियात जैसे कि स्कूल, क्लिनिक वगैरह लोगों की बस्तियों के करीब फ्राहम करें। कहता है कि जो के बच्चे वो जिसमें केबल कार में जा रहे थे वो स्कूल जा रहे थे, कहता है कि हुकूमत को चाहिए कि उनकी स्कूल, हस्पताल या क्लिनिक उनकी बस्तियों के करीब बनाए ताकि उन्हें जो है आसानी हो और वो तलीम हासिल कर सकें और इस तरह के इंसिडेंट ना हो जिसमें वो बच गए अब तो। लेकिन वो जब पास्ट की बात करता है 2017 की जिसमें मरी में जो है वो अमवात हुई, काफ़ी जानी नुकसान हुआ तो इस तरह के नुकसान ना हो। आज का आर्टिकल यही था, नेक्स्ट आर्टिकल में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह।